दोस्तों, क्या आपका इंटरनेट डाटा भी जल्दी खत्म हो जाता है और आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है? कई बार क्या होता है, आप किसी को अपना फोन देते हैं तो आप अपना हॉटस्पॉट ऑन कर देते हैं, तो वो आपका डिवाइस जब वापस करता है तो आपका 1 या 2 GB खत्म कर देता है। तो ये आपको बहुत ज्यादा परेशानी हो जाती है। तो आप इस परेशानी से मतलब जो है छूट सकते हैं, आप इस परेशानी से बच सकते हैं, वो कैसे? तो आज मैं आपको एक ऐसी हिडन ट्रिक बताऊंगा आपके फोन की। कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करनी पड़ेगी, कोई भी एप्लीकेशन आपको यहाँ पे इंस्टॉल नहीं करनी पड़ेगी। बस आप यहाँ पे वीडियो देखते रहिए, यहाँ पे आपका फोन का हिडन फीचर है। तो क्या करना है, तो अगर आपको डेली 1.5 GB मिलता है या फिर 2 GB जितना आपने पैक डलवाया है, तो क्या होता है, आपका इंटरनेट जब आप यूज करते हैं तो आपका इंटरनेट जल्दी खत्म हो जाता है या फिर आपसे डाटा जो है बचता नहीं है डेली। आप सोचते हैं कि हमें कम से कम 3 GB या 4 GB डेली चाहिए। तो आज मैं आपकी ये सभी प्रॉब्लम को यहाँ पे खत्म कर दूंगा। तो अगर आपको 1.5 GB डाटा मिलता है तो आप इस तरह मेंटेन करेंगे अपने डाटा को, इससे क्या होगा कि आप अपने डाटा को इजिली एक दिन आराम से यूज कर पाएंगे, वो भी बिना खत्म हुए। और आप 1.5 GB या 2 GB जितना भी डाटा आप यूज करते हैं दिन में, वो आराम से यूज कर पाएंगे और आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगी। तो क्या करना है क्या नहीं, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे इस तरह की वीडियो जो है अपलोड होती रहती है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये आपके फोन की हिडन सेटिंग है। तो कौन सेटिंग मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। तो मेरे फोन पे अभी अपडेट आया था, तो ये अपडेट हो रहा है। डिवाइस सैमसंग गैलेक्सी S10 है मेरा, तो यहाँ पे 146 MB का ये अपडेट है, F40 अपडेट है। तो अपडेट आने के बाद मैं आपको बताऊंगा क्या इसमें नया मिला है। तो क्या होगा, तो आपने आप जब वॉल्यूम स्लाइड बार को नीचे करेंगे, यहाँ पे आपको एक इंटरनेट का मोबाइल डाटा का ऑप्शन मिलता है जहां से आप इंटरनेट ऑन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने लॉन्ग प्रेस करना है। लॉन्ग प्रेस करने के बाद आपको इस तरह का पेज यहाँ पे खुल जाता है, आपको यहाँ पे बहुत सारी सेटिंग्स देखने को मिलती है। तो ध्यान से देखना यहाँ पे सेटिंग्स, ठीक है, यहाँ पे आपको सेटिंग्स मिलती है। तो आपने कौन सी वाली सेटिंग पे जाना है, यहाँ पे आपने जाना है यहाँ पे मोबाइल डाटा यूजेस पे, देख सकते हैं यहाँ पे मोबाइल डाटा यूजेस पे जाना है यहाँ पे, ठीक है। ध्यान से देखिए, यहाँ पे जब आप इसे ओपन करेंगे तो यहाँ पे इस तरह की सेटिंग जो है खुल जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यूट्यूब, OS, टिकटॉक, पबजी, व्हाट्सएप, जितने भी यहाँ पे एप्लीकेशन है वो कितना डाटा यूज कर रहे हैं यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। तो आपने ये तो आपको शो हो गया, लेकिन आपने जाना है यहाँ पे, और जैसे कि आपने, मैंने सुबह से 531 MB यहाँ पे यूज कर लिए, ये भी आपको यहाँ पे बता देगा, ठीक है, कितने MB आपने यूज किया है। तो मेरी जो डाटा वार्निंग लिमिट है वो 2 GB तक है। जब मैं 2 GB यूज कर लूंगा तो मेरे को मैसेज आ जाएगा ऊपर से कि आपने 2 GB यूज कर लिया, ठीक है। ये तो रही है मेरी फोन की सेटिंग, पर आप यहाँ पे सेटिंग पे जाएंगे, ठीक है। सेटिंग चले भाई, सेटिंग पे जाने के बाद मेरी डाटा वार्निंग लिमिट जो यहाँ पे मैंने 2 GB लिखी है, अगर आपके डिवाइस में 3 GB आपको डेली डाटा मिलता है तो आप वार्निंग 2 GB रख सकते हैं, या फिर आपको 1.5 GB मिलता है तो आप वार्निंग 1 GB रख सकते हैं। उससे क्या आपको पता चल जाएगा कि आपने 1 GB आपने यूज कर लिया, आपके डिवाइस में 500 MB यहाँ पे बचा हुआ है, ठीक है। ये तो रही हमारी पहली सेटिंग। इससे क्या होगा, आपको पता चल जाएगा कि आपने कितना डिवाइस में कितना डाटा यहाँ पे यूज कर लिया है। उसके बाद जो हमारी सबसे इम्पोर्टेंट सेटिंग है वो है सेट डाटा लिमिट। ये बहुत ही बढ़िया सेटिंग है। मेरे यहाँ पे अगर आप किसी को फोन देते हैं अपना, फॉर एग्जांपल आपसे कोई बंदा फोन मांग रहा है और बोल रहा है कि मैंने अपना हॉटस्पॉट दीजिए, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा कुछ काम करना है, फिर आपको वापस कर दूंगा, तो आपने बहुत चालाकी से क्या करना है, यहाँ पे जाना है, सेट डाटा लिमिट पे जाना है। फिर आपने फॉर एग्जाम्पल आपने फोन दे दिया, आपने यहाँ पे 20 MB यहाँ पे सेट कर देना है, 20 MB ज्यादा नहीं, 20 MB आपको पता होगा कि इससे ज्यादा नेट यूज नहीं कर पाएगा, तो आपने सेट कर देना है उसको यहाँ से, ठीक है, सेट कर दिया। फिर यहाँ पे आपने कंटिन्यू कर देना है, ठीक है, ये तो छोटा अपडेट आई है। 20 MB भी आपने सेट करना है और उसे दे देना है, ठीक है। तो वो आपका हॉटस्पॉट ऑन करेगा तो आपका इंटरनेट यूज करेगा, जब 20 MB वो खत्म कर लेगा तो उसके बाद आपका फोन का इंटरनेट ऑटोमेटिकली यहाँ पे बंद हो जाएगा। बंद होने के बाद, ठीक है, बंद होने के बाद वो कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई नेट क्यों नहीं चल रहा है, तो वो आपका वापस कर देगा आपका फोन कि भाई आपके फोन में तो नेट ही नहीं चल रहा है। इससे क्योंकि आपका डाटा बच जाएगा, सेफ रहेगा। तो बहुत सारे लोग इस सेटिंग के बारे में नहीं जानते हैं, तो मुझे बहुत ही बढ़िया सेटिंग लगी ये, और मैं इस सेटिंग को यूज भी करता हूँ। कोई मुझसे फोन मांगता है तो मैं सेट कर देता हूँ यहाँ पे डाटा लिमिट, तो आप भी यहाँ पे डाटा लिमिट सेट करके उसे दे सकते हैं। और तो और यहाँ पे आपको वार्निंग भी सेट कर सकते हैं, शायद ये सभी को पता है, तो आप यहाँ पे वार्निंग सेट कर लें। मान लो कि आपको 3 GB डेली मिलता है तो आपने 2 GB का यहाँ पे वार्निंग यहाँ पे सेट कर लें, ठीक है,
2 GB यहाँ पे वार्निंग सेट कर सकते हैं आराम से। तो अगर आपको 1 GB 1.5 GB मिलता है तो आप 1 GB तक वार्निंग यहाँ पे सेट कर सकते हैं। उसके बाद आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पे नोटिफिकेशन आ जाएगा आपके यहाँ पे कि आपने इतना नेट यूज कर लिया है। तो इस तरह आप अपने डाटा को सेव कर सकते हैं। तो ये थी आज की हिडन सेटिंग। तो मैं आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा।